नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे ठीक सामने खड़ा है घोड़ा 4620 ये घोड़ा है। और एक बात हम पहले आपको बताना चाहते हैं, चार तरह के घोड़े हमको साथ में पहले आते हैं और सबसे पहले तो आता है काउल मॉडल में आता है, उसको 4620 AG हम नाम नया नाम BS6 गाड़ी में उसने रखा है। और उसके बाद 4620 AM आता है और ये आप जो देख रहे हैं वो 4620 AU के नाम से यहाँ पर आप ब्रांडिंग दे सकते हो। और जो चौथा घोड़ा आता है वो 4620 AN के नाम से आता है और ये कैबिन कंपनी कैबिन में आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 24 से 25 लाख के आसपास इस गाड़ी का प्राइस आ रहा है बेसिकली। और फ्रंट से अगर हम शुरुआत करें तो आप फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर आपको शानदार मिरर आपको यहाँ पर साथ में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। बहुत ही यहाँ सनवाइज आप देख सकते हो यहाँ पर वाइपर ब्लेड लगे हुए हैं यहाँ पर और साथ में यहाँ पर वाटर जैक्स भी साथ में लगे हैं। शोकलैंड की यहाँ पर ब्रांडिंग हो रखी है और यहाँ पर देखते हो आप इसके अगर हम खोल कर दिखाएँ तो आपको सबके देख सकते हो आप यहाँ पर अंदर से आप देख सकते हो यहाँ पर रेडिएटर की असेंबली और रेडिएटर और फैन का जो कॉम्बिनेशन है वो रेडिएटर का बिल्कुल सेंटरिंग की हुई है। BS4 गाड़ी में दिक्कत थी तो रेडिएटर का और सेंटर में सेंटरिंग नहीं थी, इस BS6 गाड़ी में सेंटरिंग कर दी है लेलैंड की तरफ से। और ABS एसेसरी देख सकते हो आप, क्लच ऑयल देख सकते हो यहाँ पर। और सबसे मेन बात एक जो लेलैंड ने सभी ट्रक में निकाली है, चाहे वो 6-चक्का गाड़ी है चाहे वो इकोमेट है, एक जो चेसिस फ्रेम है उसमें एक नोडो ब्रैकेट लगाया हुआ है। नोडो ब्रैकेट क्या है कि जैसे जो स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है, गेयर बॉक्स है और साथ में यहाँ पर एयर क्लीनर की यहाँ पर फिटिंग है, वो एक नोडो ब्रैकेट लगा हुआ है। नोडो ब्रैकेट के साथ ही लगा हुआ हर एक पार्ट आपको हर एक गाड़ी में सेम मिलेगा। जैसे आप 6-चक्का गाड़ी ले रहे हैं उसका कोई आपको पार्ट मिसिंग हो रहा है तो वही पार्ट घोड़े का भी उसको लग सकता है और घोड़े को 6-चक्का वाला पार्ट भी लग सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप सामने ग्रिल देख सकते हो, बहुत ही अच्छी यहाँ पर साथ में एरोगेंट लुक्स यहाँ पर साथ में दी हुई बनाई हुई है। और ये ग्रिल आपको सभी डैशबोर्ड और काउल में और कंपनी कैबिन में सभी आपको सेम ग्रिल मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो डबल हेडलाइट्स यहाँ पे आपको साथ में यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पे आपको देख सकते हो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स की आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। और साथ में जो बम्पर्स है यहाँ पर देख सकते हो आप, हैवी बम्पर नीचे वाला सबसे हैवी बम्पर यहाँ पर लेलैंड की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। और अगर साइड की बात करें तो इसमें आपको 46 टन का ग्रॉस वेट इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलता है, 200 हॉर्स पावर का इंजन इस गाड़ी में आपको मिलता है, 700 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है मैक्सिमम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैबिन है, जो कैबिन में देख सकते हो डबल स्लीपर कैबिन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, पीछे आपको रेस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो साइड में यहाँ पर मिरर दिए हुए दोनों साइड ताकि विजिबल रहे कनेक्टर और ड्राइवर साइड, किस तरह की दिक्कत ना आए। तीन स्टेप यहाँ पर जैसे आराम से आप गाड़ी में ऊपर चढ़ सकते हैं, तीन स्टेप यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि आप कैबिन में एंटर हो सकें। इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पर देख सकते हो टायर्स की अगर हम बात करें 295/90R20 के यहाँ पर टायर्स आपको साथ में मिलते हैं। और जो ATS सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है ये भी आप देख सकते हो लेंथ कम की हुई है, जो पाइप की सिलेंसर की जो लेंथ आ रही है 1.2 मीटर्स की हुई है यहाँ पर देख सकते हो आप। इसमें क्या होता है जो यहाँ पर सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, DEF और EPF PPF यहाँ पर सारे DPF फंक्शंस काम कर रहे हैं, तो उसको क्या होता है जो धुएँ का जो टेम्परेचर देख सकते हो आप यहाँ पर, वो धुएँ का टेम्परेचर बरकरार रहता है और जो ये कंपोनेंट्स हैं तो उसको भी टेम्परेचर जा चाहिए और टेम्परेचर का लॉस नहीं होता तो जो हमारे पार्ट्स हैं वो सारे इजीली वर्क करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो AdBlue का यहाँ पर टैंक लगा हुआ है, पीछे यहाँ पर सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर टैंकीज यहाँ पर देख सकते हो साथ में। और ये इसी प्रकार से यहाँ पर देख सारे जो नट बोल्ट्स हैं वो बाहर की तरफ ही टाइट किए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो, हर एक गाड़ी में चाहे वो घोड़ा हो, 6-चक्का हो, 12-चक्का, 10-चक्का में यहाँ पर देख। अगर हम इस गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ETON का गियर बॉक्स आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स आपको 3 ऑप्शन में आपको यहाँ पर साथ में मिलता है। अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट एक्सल जो आगे यहाँ पर आ रहा है, नीचे करियो, फ्रंट एक्सल यहाँ पर आ रहा है वो फोर्ड आई सेक्शन रिवर्स इले टाइप आपको यहाँ पर साथ में आ रहा है। अगर रियर एक्सल की बात करें तो फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल इस आप यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आप। सस्पेंशन की बात करें फ्रंट में सेमी इलिप्टिकल मल्टी लिप स्ट्रिपिंग का ऑप्शन आपको साथ में मिलता है पैराबोलिक स्प्रिंग्स के। और रियर में अगर बात करें तो सेमी इलिप्टिकल मल्टी लिप स्ट्रिपिंग हेल्पर स्प्रिंग्स साथ में यहां पर देख सकते हो, हेल्पर स्प्रिंग ये नए स्प्रिंग्स यहां पर साथ में लगाए हैं BS6 गाड़ी में। ब्रैकेट्स बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा मजबूत किए हुए हैं और चेसिस की भी आप यहाँ पर मोटाई अपने हिसाब से, आप कस्टमर अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है, चाहे आप 6 mm ले, 7 mm और 8 mm का आपको अवेलेबल ऑप्शन रहता है। बैकलाइट्स देख सकते हो आप पीछे LED बैकलाइट्स यहाँ पर साथ में दी हुई है। और अगर हम इस तरह की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो डीजल टैंक का आपको 3 तरह के डीजल टैंक का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और 2 तरह का आपको मटेरियल मिलता है, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है। अगर आप इसको
अल्युमिनियम और स्टील का लगाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ऑप्शन रैम में रहता है। ये 220 लीटर 300 लीटर और 375 लीटर आपको साथ में मिल जाता है। दो ब्रैकेट यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और बैटरीज देख सकते हो, यहाँ पर दो बैटरीज 12-12 बोल्ट की यहाँ पर साथ में लगी हुई हैं। कट ऑफ स्विच और जो गाड़ी में 120 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रही हैं अल्टरनेटर पर, और यहाँ पर देख सकते हो नीचे प्रेशर टैंकीज भी यहाँ पर साथ में लगी हुई हैं और इंडिकेटर्स यहाँ पर साथ में दिए हुए हैं। और ये जो कैबिन है यहाँ पर देख सकते हो फिक्स्ड कैबिन है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इस कैबिन की, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर सस्पेंशन बहुत ही यहाँ पर हैवी दी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो आप सस्पेंशन बहुत ही यहाँ पर हैवी दी हुई है। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से यहाँ पर आपको डीजल टैंक पंप भी यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाला है। यहाँ पर आप डीजल पंप टैंक पंप ले सकते हो। एच सीरीज़ का इंजन यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाला है। अगर हम कैबिन में चलते हैं, कैबिन में आपको दिखाते हैं क्या क्या नया इस गाड़ी में आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। अंदर से डैशबोर्ड देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डैशबोर्ड यहाँ पर आपको नए डिज़ाइन का यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। फ्यूज़ बॉक्स आपको बिल्कुल कनेक्टर साइड पर मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो आप सनवाइज़र मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ आपको साथ में सनवाइज़र मिलते हैं। डैशबोर्ड देख सकते हो आप यहाँ पर, और हैंड ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पर आपको साथ में मिलती है। यहाँ पर आप हैंड ब्रेक ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मल्टी यूटिलिटी मोबाइल चार्जर मोड 24 वोल्ट का यहाँ पर मिलेगा। और एसी और नॉन एसी दोनों में वेरिएंट में गाड़ी अवेलेबल है। और ये आप नॉन एसी वेरिएंट देख रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। और अगर हम कनेक्टर सीट की बात करें, तो यहाँ पर देखो 4-way एडजस्टेबल कनेक्टर सीट और ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाली है। पीछे की अगर सीट की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो स्लीपर कैबिन में बहुत ही यहाँ पर शानदार सीट दी हुई है। अगर आप इस सीट को ऊपर भी सोना चाहते हैं, तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर आप दो डेक दो रूफ बना सकते हैं और आराम से इस गाड़ी को दिक्कत नहीं होगी। पीछे देखने के लिए यहाँ पर आपको साथ में मिरर्स भी दिया हुआ है और ऊपर लाइट्स का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो फट से बॉक्स ऊपर की तरफ 3 बॉक्स आपको यहाँ पर सामने की तरफ मिलेंगे। 6-speed आप गियर बॉक्स देख सकते हो आप यहाँ पर। और गियर बॉक्स की एक ये रॉड वाला गियर लीवर निकाल दिया है और यहाँ वायर वाला गियर लीवर आ चुका है सभी गाड़ियों में। अगर हम इस गाड़ी के आगे मीटर प्लेट की बात करें, तो मीटर प्लेट में आपको बहुत ही यहाँ शानदार मीटर प्लेट मिलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर लाइटिंग हो चुकी है। 36 नए मीटर्स यहाँ पर साथ में लगे हुए हैं BS4 के मुकाबले। और यहाँ पर देख सकते हो आप किलोमीटर पर आर, टेम्परेचर मीटर किलोमीटर और RPM मीटर, फ्यूल टैंक का डिटेल्स और प्रेशर, बाकी डिटेल्स आपको सारी यहाँ पर साथ में मिलने वाली हैं गाड़ी में। अगर हम नीचे बात करें एक्सीलेटर और ब्रेक की, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ₹380 का डाइफ्रिशन सिंगल प्लेट आपको यहाँ पे साथ में मिलने वाला है। क्लच ब्रेक्स की बात करें, तो ABS ब्रेक्स आपको यहाँ पे साथ में मिलने वाली है। यहाँ पर उसका पैडल्स देख सकते हो आप। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सीलेटर की, तो टोटली इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर इस गाड़ी में साथ में दिया हुआ है। और कैबिन में अंदर देख सकते हो आप मैटिंग बहुत ही यहाँ पर अच्छी की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो आप। और एक बार और खास बात बता दें, ये कैबिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। जो चेसिस फ्रेम है वो HS हाई स्टील के साथ, स्टेंस के स्टील का मटेरियल के साथ बना हुआ है। इस गाड़ी में 4020 में आपको व्हील बेस मिलता है 3400 mm का। और पूरा हमने गाड़ी का रिव्यू आपको दिखाया है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई नई वीडियो से अपडेट्स के साथ हमको जल्दी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।